मुन्नास ने कश्मीर न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे से बात करते हुए अपनी हालत इजहार बयां की। लोगों ने साबिका एमएलए अब्बास वानी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो कई बार साबिका एमएलए के पास अपनी शिकायत लेकर गए, लेकिन उनकी सुनवाई कभी नहीं हुई। टीली मोहल्ला के लोगों ने मजीद बताया कि उनके एमएलए अब्बास वानी ने उन लोगों के साथ बदजबानी का इस्तेमाल भी किया है। देखिए बटियासर की ये रिपोर्ट। हमें सिर्फ वादे दिए गए हैं कि आपका ट्रांसफार्मर लग जाएगा, आपकी जो तार है वो लग जाएगी, लेकिन 2019 अब आ गया है। 2019 तक हमें कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुआ है। गए चीफ मिनिस्टर से गए एक दिन बिक अबा सोबस से गए अबा सोबस गो वो ऐसे चोर बजे दो सौ बनाओ तब पर वो तेज पकान ऐसे तेम दो बस दिम बस दिम अस नाइन से भी बस कर चीफ इंजीनियर से गवर्नर से करें पुरजोर अपील कि सन मसल करो हल बाकी चुना जरूरत कहीं पावरच वत सौ बच्चे हेकान पढ़ित कहें अनगट हेकान बतने हेकान खेत कहें सौ बच्चे पड़ान कहें तो ट्रांसफार्मर जरूरत बाकी चुना जरूरत कहें पावर वाता कहें परेशान पावर खतर सान खतर करू जल्दी जल्दी कह यह कार्रवाई अस ग पावर बे वात वार गए अबास जानि वो मर तम कर रोप यम वोट तम सर पार कर मेहरबानी कर कत नबर कुन दबन तुम दब तुम टीली महल अबास अबास गए त्रे लट जन मोनी वह जन गए तथा कर् रोप दुन तुह क्या झाड़ तमें मेहरबानी कर अगर अबास कुमार मन कल चटोस तम दस ओर वर्य दुम दुख बहु दिमो ट्रांसफार्म सी मर्द कर दरबदार ये पजे अम मिनिस्टर साहबन यह कानून यह कानून पंचायती इंतखाबात के सातवें मरहले में आज जिला अनंतनाग के कोकरनाग में भी इंतखाबात कराए गए। देखिए हमारे चीफ कैमरामैन इरफान खान की ये रिपोर्ट। मेंढर पुछ में आज पंचायती इंतखाबात के दौरान दो पार्टियों के कारकुनान में किसी बात पर हाथापाई हुई, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए, जिनमें से तीन को जिला अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया गया। पेश है हमारे नुमाइंदे जंग बहादुर सिंह की ये रिपोर्ट। अपर प्राइमरी स्कूल पारी गांव पुलवामा में आज कम्युनिटी इंटरेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबे इल्मों के वालिदैन और उसातिजा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखिए हमारे नुमाइंदे पुलवामा से बुरहान बशीर की ये रिपोर्ट। पिछले एक दो महीने से जोन काकापोरा में और काफ़ी इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। लोगों का जो पार्टिसिपेशन का रुझान बहुत ज़्यादा है, जो हमारा टारगेट उससे ज़्यादा लोग आते हैं और बच्चों का जो टैलेंट ये अपने सामने देख के वो मोटिवेट हुए हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दर्ज करें। और बहुत सारे यहाँ गाँव इस्लामिया मॉडल स्कूल अनंतनाग में प्री नर्सरी से नवीं जमात तक के तालिबे इल्मों के लिए दाखिला शुरू हो गया है। इस्लामिया मॉडल स्कूल अनंतनाग में तालिबे इल्मों को जदीद जमाने की तमाम सहूलियतें फराहम की जाती है, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लेबोरेटरी, स्कूल बस सर्विसेज। इस्लामिया मॉडल स्कूल अनंतनाग में तालिबे इल्मों के लिए बोर्डिंग खदमात भी दस्तियाब है। स्कूल में बच्चों को आला तालीम के साथ साथ खेल कूद और नमाज भी पढ़ाई जाती है। अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल बनाने के लिए उनका दाखिला जरूर कराइए इस्लामिया मॉडल स्कूल अनंतनाग में, जिनका राबिता नंबर है 7006292367 या 7006702383। वक्त के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है कश्मीर न्यूज नेटवर्क के केएनएन खबर दिन भर में। महलपुरा पटन में भी सातवें मरहले के पंचायती इंतखाबात कराए गए। पेशे बट यासिर की ये रिपोर्ट। जिस्मानी तौर नाकेज अफराद के लिए दौशेरा जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुकर्ररीन ने सरकार पर जोर दिया कि वो जिस्मानी तौर नाखेज अफराद की भरपूर मदद करे। देखें हमारे नुमाइंदे सुनील कुमार की नौशेरा जम्मू से रिपोर्ट।
नापती अंक की जरूरत है। हर बार हम ये मांग पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के लिए हमारे लोगों ने जद्दोजहद की, हमारे लोगों ने स्ट्राइकें की, अपने हक के लिए लड़ने के लिए आए दिन हर वर्ष अपनी जाने तक दी। पुश में आए साबिका एमएलए एजाज जान के घर पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पैंथर्स पार्टी के लीडरान हाजी नजीर अहमद, रुबीना कौसर, हाजी अब्दुल रशीद मुकरी ने अपने कारकुनान समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का ऐलान किया। देखिए हमारे नुमाइंदे पुश से जंग बहादुर सिंह की ये रिपोर्ट। सिमरी अलग में लड़ रहा था, अब मैं ज्वाइन हो चुका। बस थैंक यू सर। मैं नूरकोट पंचायत में इलेक्शन लड़ा हूँ, 33 वोट की लीड लेकर इंशाल्लाह निकला हूँ, आगे जीता हूँ। इसी के साथ कश्मीर न्यूज नेटवर्क पर केएनएन खबर दिन भर के आज के तमाम मौजूदात इख्तिताम पसीर होते हैं। दीजिए अपने मेजबान शाहिद वानी के साथ बाकी आसिर और कश्मीर न्यूज नेटवर्क की पूरी टीम को इजाजत। कश्मीर न्यूज नेटवर्क के सब्सक्राइब कीजिए।